ठीक है। अब ये है लाइटर, अब मैं ऑन करता हूँ, इसमें पानी भरा दो उसमें, आप वेट देख लीजिए, मेरे पास पहले से ही भरा हुआ है, मैंने पहले से ही बना के रखा है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस पर मेरे को ब्लैक ब्लैक सा अभी से ही निशान कुछ दिख रहा है, गर्मी भी थोड़ी महसूस हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बलून को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आग से, तो हम कह सकते हैं कि कोई मैजिक है या साइंस का कोई करिश्मा। देखिए गाइस, मैं इसको चारों तरफ भी घुमा के देखता हूँ तो भी इसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। अब मैं इसको एक जगह फोकस में मारूंगा बीच में, ये देखो देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक। बैलून को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे हाथ पे कुछ लिक्विड गिरा है, जैसे कि ये ब्लैक ब्लैक इसी का ही कुछ गिरा है। देखिए चलो ये टेस्ट तो पास हो गया लग रहा है, हमारा एक्सपेरिमेंट पास हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ बलून नीचे से कैसा हो गया, पूरा ब्लैक हो गया बलून नीचे से। ठीक है, अब यही चीज हम पॉलिथीन पे करके देखते हैं तो देखते क्या होता है। ये देखिए पॉलिथीन है, इसमें मैंने पानी भी रखा है, ये देखिए मेरे को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा था कि पानी गिर जाएगा, शायद पानी और पॉलिथीन एक ही सब्सटेंस बन के आग के सामने काम कर रहे हैं, तभी पानी नहीं पोर हो रहा है, लीक हो रहा है, नहीं लीक हो रहा है पॉलिथीन से। हालांकि थोड़ा स्वेट जो पानी का है वो मैं भी महसूस कर सकता हूँ, देखिए जरा पानी गिर तो नहीं रहा, लेकिन जो उसका स्वेट है ये थोड़ा लिक्विड सा गिर रहा है। एक बार करके दिखाता हूँ,